ओम शांति। आज बाबा की 26 जून 2020 की मुरली सुनते हैं और आज की मुरली के अंदर बाबा ने विशेष हम बच्चों को धारणा की बातें सुनाई हैं। बाबा से हमें जो वर्षा मिलता है, एक तो शांति का वर्षा मिलता है, दूसरा पवित्रता का वर्षा मिलता है। तो बाबा कहे ये संगम युगी जीवन तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल जीवन है और इसीलिए हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना है। जीवन के अंदर जो बाबा हम बच्चों को ज्ञान की बातें सुनाते हैं उसी को जीवन में धारण करते हुए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है, शांति में सब कुछ आ जाता है। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार है पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, हम भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। आज की मुरली का गीत है, जाग सज्जनिया जाग, नवयुग आया रे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिर गया। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना यह है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। तो बाबा भी स्वदर्शन चक्रधारी है और हम बच्चों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। सभी मनुष्य कहते भी है शांति देवा, हे शांति देने वाला। मालूम किसको भी नहीं है कि शांति कौन देते हैं, मां शांति धाम कौन ले जाएंगे। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी कहला न सके। कितना रात दिन का फर्क है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप को याद करना है, यही मुख्य बात है। बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना। शांति में सब आ जाता है। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, निरोगी काया भी बनती जाती है। शांति में रहने के फायदे बाबा बताते हैं। ये तो बात दुनिया भी मानती है कि जितना व्यक्ति बातूनी होता है वो इतनी अपनी एनर्जी वेस्ट करता है कि अपनी आयुष्य को भी कम कर देता है। लेकिन जितना व्यक्ति मौन में रहता है, शांति में रहता है, उतना वो अपनी आयुष्य को भी बढ़ाता है और शरीर के अंदर निरोगी भी बनता है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को याद में रहने की मेहनत कराते हैं। सिवाय बाप के और कोई स्वदर्शन चक्रधारी बना न सके। आत्मा ही बनती है। बाप भी है क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। गीत भी सुना, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। गीत तो मनुष्य ने ही बनाए हैं। बाप बैठ सार समझाते हैं, वह है सभी आत्माओं का बाप। तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हो। हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी है।
यह बुद्धि में रहने से फिर स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। मनुष्य ये नहीं समझते हैं कि हम भी वास्तव में भाई भाई हैं। फिर बाप रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं, क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। बाप याद भी दिलाते हैं, तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन, अब मैं आया हूँ, तुम तो कहता हूँ ये अंतिम जन्म पवित्र रहो, तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे ब्राह्मण हो, हाँ, तो ब्राह्मणों के पास अपनी सामग्री जरूर रहनी चाहिए, कथा करने की सारी सामग्री जरूर रहनी चाहिए। तुम्हारे घर में यह चित्र जरूर होने चाहिए। इन पर समझाना बहुत सहज है, 84 का चक्र तो बुद्धि में है। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी टीचर दे देंगे, वह आकर सर्विस करके जाएगी, तुम प्रदर्शनी खोल दो। भक्ति मार्ग में भी कोई कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र जंत्र आदि नहीं जानते तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, वह रोज आकर पूजा करते हैं, तुम भी मंगा सकते हो। यह है तो बहुत सहज। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई रचना रची होगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहन भाई बने होंगे। प्रतिज्ञा करते हैं, हम दोनों भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। मुख्य है ही याद की यात्रा। वह लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़ी है। यह है साइंस की अति में जाना। अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो, श्रीमत पर। साइलेंस की अति में जाते हैं, बाबा कहे वो भी श्रीमत पर। उनकी है साइंस, यहां तो तुम्हारी है साइलेंस। बच्चे जानते हैं आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, इस शरीर द्वारा सिर्फ पार्ट बजाना होता है, कर्म बिकर तो कोई रह न सके। बाप कहते हैं अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत ही सहज है। सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अर्थात शिव के पुजारी है उनको समझाओ, ऊंचते ऊंच पूजा है शिव की, क्योंकि वही सर्व का सदगति दाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप आए हैं, सबको साथ में ले जाएंगे। अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ बहुत करना है कि हम आत्माएं स्वतो प्रधान बन जाएं। बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत भगवत गीता कहते हैं कितनी बड़ी महिमा है, देवताओं की भी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बाप ही आकर संपूर्ण पावन बनाते हैं। तो एक तो साइलेंस का वर्षा, दूसरा पवित्रता का वर्षा, ये बाबा हम बच्चों को देते हैं। जब संपूर्ण पतित दुनिया बनती है तभी बाप आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं। सब कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम अभी भाई बहन बने हैं। कल्प पहले भी बाप आया था, शिव जयंती मनाते हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम आपस में कंपेनियन हो पवित्र रहते हैं, उनके डायरेक्शन पर चलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी यह अंतिम जन्म है, यह मृत्यु लोक खत्म होना है। अभी तुम समझदार बने हो, कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्व का सदगति दाता है, या फिर अपने को कैसे कहला सकते हैं, परंतु समझते हैं ड्रामा का खेल है।
बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाप कहते हैं अब सर्विस में तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनी खोलो, इन जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं है। किसको बाप का रास्ता बताना, इन जैसा दान कोई है नहीं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो पाप नाश होंगे। बाप को बुलाते भी इसलिए हो, हे पतित पावन लिबरेटर गाइड आओ, तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है, बाप भी पंडा सभी आत्माओं को ले जाएंगे। वह है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी, वह जिस्मानी यात्रा, यह रूहानी यात्रा। सतयुग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं है, वहां तुम पूज्य बनते हो। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं, तो सतयुग में कोई भी तीर्थ यात्रा पर जाने की आवश्यकता नहीं। तो बाप आकर के हमें कितना समझदार बनाते हैं, तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी संशय आदि हो तो बाबा के पूछना चाहिए। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना, आधा कल्प के तुम आशिक हो, एक के ही ढेर नाम रख दिए हैं, कितने नाम कितने मंदिर बनाते हैं। मैं हूं तो एक ही, मेरा नाम है शिव। 5000 वर्ष पहले भारत में ही आए थे, बच्चों को एडॉप्ट किया था। शिव बाबा कहते हैं हम 5000 साल पहले भी भारत में ही आए थे, बच्चों को एडॉप्ट किया था, अब भी एडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पोतरे पोतरियां हो गए हो। यहाँ वर्षा ही मिलता है आत्मा को, उसमें भाई बहन का सवाल ही नहीं उठता। आत्मा ही पढ़ती है, वर्षा लेती है, सबको हक है। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ भी देखते हो ये सब विनाश हो जाना है। महाभारत लड़ाई भी बरोबर है, सब कुछ विनाश को पाना है। बाबा कहे इसी को ही महाभारत लड़ाई कहा। बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं, बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं, तो त्याग भी बेहद का चाहिए। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते तो नॉलेज भी बेहद की सुनाते और साथ ही साथ बेहद का त्याग भी कराते हैं। तुम जानते हो कल्प पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था, राजस्व अश्वमेघ यज्ञ रचा था, फिर राजा के लिए सतयुगी नई दुनिया जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था, 5000 वर्ष की बात है ना, यही लड़ाई लगी थी, जिससे गेट खुले थे। बोर्ड पर भी लिख दो स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर समझो। गेटवे टू हेवन कितने दिनों से बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, ये लिख दो कि ये आकर के समझो कि स्वर्ग के गेट कैसे खुलते हैं। तुम नहीं समझा सकते तो दूसरे को बुला सकते हो। अगर मान लो कि कैपेसिटी नहीं है आत्मा में, कोई ने ऐसे वैसे प्रश्न पूछ दिए, तो बाबा कहे तुम किसी को भी बुला सकते हो, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाप है। यह तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, हम ही देवता थे, फिर चक्कर लगाया, हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। ज्ञान है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई निकलते हैं, प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, कोई मुश्किल निकलते हैं, कोई तो सिर्फ महिमा करते हैं, बहुत अच्छा हम आएंगे, कोई विरले 7 रोज का कोर्स उठाते हैं,
सात रोज की भी बात अब क्या है। गीता का पाठ भी सात दिन रखते हैं, सात दिन तुमको भी भट्टी में पढ़ना है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने से सारा किचड़ा निकल जाएगा। आधा कल्प की गंदी बीमारी देह अभिमान की है, वह निकालनी है। देही अभिमानी बनना है। सात रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़ी है, किसको सेकंड में भी तीर लग सकता है। देरी से आने वाले आगे जा सकते हैं, बाबा के पीछे आने वाले भी आगे जा सकते हैं। कहेंगे हम रेस कर बाप से वर्षा ले ही लेंगे। कई तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी पॉइंट्स तैयार माल मिलता है। प्रदर्शनी आदि समझाने में कितना सहज होता है। खुद नहीं समझा सकते हैं तो बहन को बुलाएं, रोज आकर कथा करके जाओ। बाबा कहे रोज कथा करके जाओ। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो 1250 वर्ष चले। कितनी छोटी कहानी है, 5000 वर्ष कहानी है, लेकिन बाबा कहे कितनी छोटी कहानी है। हम सुदेवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, हम आत्मा ब्राह्मण बनी, हम सो का अर्थ कितना युक्ति युक्त समझाते हैं। पूरा चक्कर बाबा ने घुमा दिया। विराट रूप भी है, परंतु उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है याद की, और कोई संशय में नहीं आना चाहिए। विकर्मा जीत बन ऊंच पद पाना है तो ये चिंतन खत्म करना है कि यह क्यों होता है, यह ऐसे क्यों करता है। इन सब बातों को छोड़ एक ही चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से सुतो प्रधान बनना है। ये क्यों करता है, ये क्या करता है, बाबा कहे इन चिंतनों में हमें जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि विकर्मा जीत बनना है। और बाबा कहे तुम्हें फालतू में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, एक ही चिंतन रहना चाहिए, मुझे तमो प्रधान से सुतो प्रधान कैसे, मुझे कैसे बनना है, ये चिंतन रहना चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्मा जीत बन ऊंच पद पाएंगे। बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना है। सब बातों से एक बात मुख्य है, उनको नहीं भूलो, शिव बाबा को नहीं भूलो। कोई के साथ टाइम वेस्ट ना करो, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। तूफानों से डरना नहीं है, बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा, परंतु बाप की याद कभी भी नहीं भूलनी है। याद से ही पावन बनना है, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। यह बाबा बूढ़ा इतना ऊंच पद पाते हैं, हम क्यों नहीं बनेंगे? अगर बाबा कर सकते तो हम क्यों नहीं करेंगे? यह भी पढ़ाई है ना, तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं है। बुद्धि में सारी कहानी है, कितनी छोटी कहानी है, सेकंड की बात है। जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है। मूल बात है बाप को याद करो। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। कहते हैं सब थोड़ी राजा बनेंगे, अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो। स्कूल में ये ओना रखते हैं क्या कि सब थोड़ी स्कॉलरशिप पाएंगे, पढ़ने लग पड़ेंगे ना। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है कि ये क्या पद पाने वाले हैं, है ना। तो बाबा कहे स्कूल में तो ये फिक्र रहता है हम आगे बढ़े, खूब पढ़े, वहां दूसरों को जो लेजी है उनको थोड़ी देखा जाता है। तो स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट,
यह समय बहुत वैल्यूबल है, इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। दूसरी पॉइंट, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है, और कोई चिंतन न चले। बाबा कहे, हम सो सोहम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी है और समझानी है। आज का मीठा वरदान है दातापन की भावना द्वारा। दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। दातापन की भावना और खुद के लिए इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा कहे, ये अनुभव वही कर सकता है जो अंदर से तृप्त आत्मा है। तो तृप्त आत्मा भव, सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा हो जाएंगे। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा हो जाएंगे, और जो संपन्न होंगे वह सदा तृप्त होंगे। मैं देने वाला दाता का बच्चा हूं, देना ही लेना है। यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य के तरफ ही नजर रहे, वह लक्ष्य है बिंदु, और कोई भी बातों के विस्तार में नहीं जाना है। न देखना है, देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। आज का स्लोगन है, बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है, बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है, तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प ही हमें भीतर से कमजोर करता है। तो आज की मुरली से हम यही दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हमें शांति में रहना है, क्योंकि उसी से आयु भी बढ़ती है, निरोगी काया भी प्राप्त होती है, और उससे कई प्राप्तियां। बाबा कहे, तुम शांति की दुनिया की स्थापना करते हो और सुख धाम में भी पहुंच जाते हो, शांति धाम और फिर सुख धाम पहुंच जाते हैं। तो जितना हो सके ये साइलेंस का वर्षा बाबा का अभी मिलता है, इस वर्षे का पूर्ण अनुभव करना है। दूसरी बात, बाबा ने जो कही, तुम्हें ही पावन बनना है, पवित्रता का वर्षा भी बाबा से लेना है। तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु बाबा कहे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है व्यर्थ की बातों में, किसी की सुनी सुनाई बातों में नहीं जाना है। ये आज के लिए हम अभ्यास करेंगे, साथ ही साथ जो बाबा ने वरदान दिया कि दातापन की भावना रखनी है और खुद के लिए इच्छा मात्रम अविद्या, तो अंदर से आत्मिक तृप्ति का अनुभव करेंगे। साथ ही साथ पहचान दे दिया बाबा ने, व्यर्थ संकल्प जब चलते हैं तो क्या होता है, बुद्धि और स्थिति दोनों ही कमजोर पड़ जाती है। इसलिए आज सारा दिन यही चेकिंग करेंगे कि हमारी बुद्धि और स्थिति कहीं कमजोर तो नहीं पड़ी ये व्यर्थ संकल्पों के कारण। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।